हेलो एंड वेलकम टू द एट्थ एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टिनोसिस के बारे में, लंबर कैनाल स्टिनोसिस। हम लोअर लंबर लो बैक की बात कर रहे हैं तो लंबर कैनाल स्टिनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इस एक वर्ड की वजह से हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है लो बैक पेन में। जी हाँ, अगर आपके भी MRI में लंबर कैनाल स्टेनोसिस या फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस ये लिखा हुआ है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इनकी एक्सरसाइज कैसे होती है और कैसे स्टेनोसिस में हमें एक्सरसाइज करके हम ठीक हो सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, यानी कि कोई भी जगह जो नैरो हो जाए और टाइट हो जाए उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। अब लंबर स्पाइन में ये दो तरह के स्टेनोसिस होते हैं, एक होता है सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस और फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। अब सेंट्रल कैनाल को हम स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं और फोरामिनल कैनाल को लेटरल रिसेस स्टेनोसिस भी बोलते हैं। लेटरल रिसेस का मतलब साइड वाला। फोरामेन हमारे दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए एक राइट साइड के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है। ये होता है हमारा सेंट्रल कैनाल, इसमें जब जो स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स निकलती हैं, अब जब यहाँ पे जो नैरोनेस आ जाती है इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस। अब इसमें अगर यही वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रा हो और ये बनता है फोरामेन, अब ये फोरामेन के बीच में जब हमारा जो नर्व होती है या ये जब स्पाइनल नर्व जब निकलती है लेफ्ट को और राइट को, जब ये फोरामेन में फंस जाती है और लेटरल रिसेस होती है ये साइड वाली जगह, फोरामेन से पहले एक ऐसा दरवाज़ा अगर वो टाइट कर दिया जाए तो उसको लेटरल रिसेस बोलते हैं। इस लेटरल रिसेस, ये लेटरल रिसेस क्या होता है, जब भी कोई हमारा डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं तो इसके जो बोनी मार्जिन है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो फोरामेन से जाने से पहले नर्व को प्रेस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल रिसेस स्टेनोसिस। एक होता है फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस, जब फोरामेन में से निकल रहा है और उसमें जब हमारा फेसेट जॉइंट की वजह से जब हमारा स्टेनोसिस होता है या हमारे फेसेट जॉइंट बढ़ने की वजह से जब कैनाल को पिंच करता है, वो नर्व को पिंच करता है, तो उसको हम कहते हैं फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। अब इस कैनाल नैरोइंग की वजह से ही हमारी लेग में पेन जाता है। स्टेनोसिस सबसे बड़ा कारण होता है कि जब चलते हुए पेशेंट को लेग में पेन जाता है, इसमें दोनों लेग्स में भी पेन जा सकता है। एक यही एक ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट जब चलता है और खड़ा रहता है तो उसकी लेग्स में पेन जाते हैं या वीकनेस होती है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन जाती है, बर्निंग सेंसेशन जाती है, और जब वो बैठ जाता है या आगे को झुक जाता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं पर उसके सिम्टम्स जो है वो रिलीफ हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो स्टेनोसिस का पेशेंट है वो ऐसे झुक के चलना प्रेफर करता है, स्पेशली ओल्ड एज में। तो आइए देखते हैं, अब आपकी MRI देखिए, उसमें लिखा होगा सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस। अगर आपने MRI करवाई है या आपने अभी देखा है तो उसमें लिखा होगा सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस। अब ये सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कैनाल को नैरो कर दे सेकेंडरीली। अब उसमें चाहे डिस्क आ जाए, तो फर्स्ट है हमारा डिस्क प्रोलैप्स। जब डिस्क प्रोलैप्स होती है तो वो कैनाल के बिल्कुल बीच में आ जाती है और उसको नैरो कर देती है क्योंकि उसकी जगह कम कर दी। अब सेकंड आता है लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। अब लिगामेंटम फ्लेवम जो पड़ा है उसकी हाइपरट्रॉफी होती है और वो पीछे पड़ा है। जब लिगामेंटम फ्लेवम फूल जाता है या हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है वो काफ़ी बड़ा हो गया और फूल गया, और जब वो वॉल पे आके प्रेस करने लगता है नर्व्स को तो ये स्टेनोसिस क्रिएट करता है। थर्ड आता है फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये जो दोनों सिम्टम थे ये हमारा सेंट्रल कैनाल करते हैं स्टेनोसिस, और ये फेसेट जॉइंट जो आर्थ्रोपैथी मतलब सेंट्रल कैनाल मेनली करते हैं पर फोरामिनल कैनाल भी कभी कभी करते हैं, पर जो फेसेट जॉइंट है ये हमेशा फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस ही करेगा क्योंकि ये फेसेट जॉइंट साइड को निकलते हैं और साइड में से जब इनकी बोनी मार्जिन निकल जाते हैं नर्व को प्रेस करते हैं उस स्पाइनल नर्व को। अगर लेफ्ट वाला करेगा तो लेफ्ट में टांग में पेन जाएगी, राइट वाला करेगा और राइट में जाएगी, और अगर सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस होता है तो उसमें दोनों में भी पेन जाता है क्योंकि वो बीच में से प्रेस कर रहा है हमारी कैनाल को। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्पोंडिलोलिस्थेसिस। हमारा स्पोंडिलोलिस्थेसिस जब मैंने बताया था ये क्या करता है, एक वर्टेब्रा जो L4 है वो L5 के ऊपर से स्लिप कर जाएगा, तो जब स्लिप करेगा तो उसमें क्या होगा, जब भी वो स्लिप करेगा तो उस अब साथ में जो कैनाल है वो नैरो हो जाएगी क्योंकि उसमें जो स्टेप आएगा वो ऊपर नीचे करेगा उसको, और स्टेप आने की वजह से जो कैनाल है वो नैरो हो जाएगी। तो ये थे हमारे चार फीचर, जो चार कॉजेज हैं जो सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको बताया उसमें सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को हमेशा चलने में दोनों टांगों में पेन आ सकता है, और इसमें कई बार क्या होता है एक टांग में पेन आता है अगर फेसेट जॉइंट की वजह से स्टेनोसिस हो रहा हो। तो
तो इन सब कॉजेज को देखा जाए तो सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, पर सिर्फ एक डिस्प्रोलैप्स ऐसा पार्ट है जिस ऐसा कॉज है जिसकी वजह से ये यंग एज में भी होता है, क्योंकि जब डिस्क कैनाल के अंदर आ जाती है उसकी वजह से जो सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस होता है वो होता है हमारा यंग एज में भी पॉसिबल होता है। बाकी सारे जो है वो ओल्ड एज के ज़्यादा हमारे फीचर हैं, क्योंकि फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी ओल्ड एज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारी स्टेनोसिस में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टेनोसिस में एक्सरसाइज करने से पहले मैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर पेशेंट फ्लेक्शन करता है यानी कि आगे झुकता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मतलब उसके सिम्टम्स रिलीव होते हैं, और जैसे ही वो सीधा होने की कोशिश करता है हमारा एक्सटेंशन कर्व आता है, लोडोटिक कर्व आता है, और वो कैनाल को और नैरो करना शुरू कर देता है, चाहे फोरामेनल कैनाल हो चाहे सेंट्रल कैनाल हो। तो इसलिए इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी है, चाहे इसमें स्लिप डिस्क क्यों ना हुई हो। अब यही एक ऐसा सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें डिस्क में भी हमें एक्सटेंशन डिस्क प्रोलैप्स में भी हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी अगर स्टेनोसिस लिखा हुआ है तो। और मैं आपको बताऊंगा इसमें एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, एक्सटेंशन बिल्कुल अवॉइड करनी है, फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टेनोसिस की एक्सरसाइज हमें शुरू करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि जिसको स्लिप डिस्क की वजह से स्टेनोसिस हुआ है यानी कि एक्यूट स्टेज में हुआ है, जब मैंने आपको बोला कि एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी, तो उसमें उसने क्या करना है अगर स्लिप डिस्क भी है। तो सबसे पहले हमने इस तरह से स्लिप डिस्क वाले ने सिर्फ इस पोजीशन में रहना है, उसने एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए ये वाला पोजीशन बिल्कुल नहीं करनी स्टेनोसिस में, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो हमारा एक्सटेंशन में करने में पेन बढ़ेगा, और यही एक साइन होता है स्लिप डिस्क वाले के लिए कि उसको स्टेनोसिस हुआ हुआ है। क्योंकि मैंने आप जो मैंने पहले अपने वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बोला था एक्यूट स्लिप डिस्क में एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं तो पेन रिलीफ होता है, तो इसमें क्या करेंगे जब हम स्टेनोसिस में ये करेंगे तो उसमें पेन बढ़ता है, तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना। तो स्लिप डिस्क वाले को सिर्फ इस पोजीशन में ऐसे लेटना है ताकि धीरे धीरे एक दो दिन में जो फ्लूइड है वो वापस चला जाएगा, तो उसमें जो उसको स्लिप डिस्क हुई है उसमें स्टेनोसिस का जो चक्कर था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगर वो भी उससे नहीं हो पाता तो इस तरह उसने सीधे लेट जाना है लेग्स फोल्ड करके, क्योंकि अगर हम लेग स्ट्रेट करते हैं ना तो भी हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में हो जाती है, उठ जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट अपना पेल्विस की वेट की वजह से जो आप देखना हाथ नीचे से निकालोगे तो नीचे से इजीली निकल जाता है, इसका मतलब स्पाइन एक्सटेंशन में है। पर जब हम क्योंकि एंटीरियरली टिल्ट हो जाता है ना पेल्विस, इसलिए अब जब हम नीज़ को फोल्ड कर लेंगे इससे क्या होता है हमारा जो पेल्विस का वेट है यानी कि पेल्विस पोस्टीरियरली पीछे को चला गया, अब उसमें जो वेट है वो नीचे को दब गया और हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, फ्लेक्शन में आ गई। ये हमारी इस कंडीशन में पेशेंट को लेटना चाहिए स्टेनोसिस वाले को स्लिप डिस्क वाले को, ताकि उसका जो स्टेनोसिस है वो ज़्यादा उसको दिक्कत ना करे। कई बार क्या होता है इस पोजीशन में भी रिलीफ नहीं मिलता तो उसमें पेशेंट को क्या करना होता है, एक अपनी जो पेनफुल लेग ज़्यादा पेन जिसमें लेग में है वो लेग इस तरह से उठा के रख लेनी होती है, इस पोजीशन में उसको रिलीफ मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेनोसिस की, उसमें हमने क्या करना है फ्लेक्शन एक्सरसाइज फोल्ड करने वाली एक्सरसाइज करनी है। इसमें उसने पिल्लो ले लेना है, एक फर्म पिल्लो ले लेना है या टॉवल रोल ले ले। उसने पेशेंट ने क्या करना है इसको पिल्लो को अपने बटक्स के नीचे रखना है, बैक के नीचे नहीं रखना, बटक्स के नीचे रखना है, ताकि वो जो एरिया है वो रेज्ड हो जाए और हमारा जो पेल्विस है पेल्विस के नीचे जब हम पिल्लो रखेंगे तो हमारा रेज हो जाएगा, तो हम इजीली इसको यानी कि फ्लेक्शन में और फ्लेक्शन में कर चुके हैं। अब इसको रेज करने के बाद नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। आप हमेशा देखेंगे फ्लेक्शन एक्सरसाइज की शुरुआत हमेशा नी टू चेस्ट से ही होती है, तो सिंगल सिंगल नी एट ए टाइम इसको हम 5 to 10 seconds होल्ड करेंगे, इसमें नेक बिल्कुल नहीं उठानी, 5 to 10 seconds होल्ड करेंगे और इसको हम 10 times करेंगे ईच लेग को। इसको ट्वाइस अ डे ज़रूर करें स्टेनोसिस वाले पेशेंट, कई बार ओल्ड एज होने की वजह से स्टेनोसिस अगर ज़्यादा भी है तो वो कई डबल हिपनी बेंडिंग भी कर सकते हैं, पर सिर्फ इस तरफ इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना, डबल हिपनी बेंडिंग करने से भी उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है बटक्स को स्क्वीज़ कर लेना है, जैसे हमने बटक्स को प्रेशर रोकने के लिए करते हैं, स्क्वीज़ करके पेट को अंदर कर लेना, क्योंकि कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए, क्योंकि कोर मसल स्ट्रेंथन होंगे तो हमारा एक्सटेंशन को जो कर्व है वो बैलेंस रहेगा, थोड़ा पीछे को रहेगा, फ्लेक्शन में रहेगा। इसको टमी को टक करके सिर्फ अपने पेल्विस को उठा लेना है। अब देखो
इसमें क्या है, हमारा पिल्लो रखने से या टॉवल रोल रखने से पेल्विस ऑलरेडी रेज्ड है, तो इससे और अच्छा रेज हो जाएगा। बटक्स को स्क्वीज़ करें, टमी को टक करें और पेल्विस को रेज करें। ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। इसमें भी जब हम बैक को प्रेस कर रहे हैं बेड की तरफ, तो इससे बहुत अच्छा उसको रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। फिर से देखिए, बटक्स के नीचे पिलो रख के बटक्स स्क्वीज करें, टमी टक करें और बैक को नीचे प्रेस करते हुए पेल्विस को ऊपर उठा लें। ये सेम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट जैसी एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें एक पिल्लो ऐड किया गया है ताकि आपको ईजी हो सके। अब पिल्लो निकाल देना है और जो इसमें अब थर्ड एक्सरसाइज आएगी, इसको मैंने नंबर उसमें फर्स्ट में ही काउंट कर लिया था, अब सेकंड एक्सरसाइज ही इसको मान लीजिए, सेकंड एक्सरसाइज आएगी। उसके लिए हमने क्या करना है, अब इसमें क्या है, मैंने बताया था अगर सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस है, बीच में से कैनाल नैरो हुई है, तो दोनों टांगों में पेन जा सकता है। अब अगर एक सिंगल लेग में पेन है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। मान लीजिए मेरे अब ये राइट लेग में पेन है, राइट लेग में पेन जा रहा है, सेटिका हो रहा है क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से, फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस है, तो उसमें क्या होता है राइट लेग में पेन जा रहा है, तो राइट इस तरह लेग्स फोल्ड करके राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रख लें और इस तरह से जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी बिल्कुल स्पाइन को रोटेट करेगा। इस तरह से स्पाइन रोटेट करनी है, इसको शोल्डर की तरफ नहीं लेके जाना, पेरिफॉर्मिस वाला स्ट्रेच होता है जो हम शोल्डर की तरफ लेके जाते हैं, इसको इस तरह से करके स्पाइन को रोटेट करना है हमने, लोअर बैक को इस तरह से रोटेट करवा देना है। तो यहाँ से भी उसके जो सिम्टम है वो रिलीव होने शुरू हो जाएंगे, पर ये तब करना है अगर फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस और पेशेंट को सिर्फ एक लेग में पेन है। अब यही अगर हमारे लेफ्ट लेग में पेन होता तो मैं उसको राइट के ऊपर रखता और राइट हैंड से इसको स्ट्रेच करके रोटेट करवा देता अपनी लोअर बैक को। ये बहुत हेल्पफुल स्ट्रेच है पेशेंट के सिम्टम रिलीव करने के लिए, स्पेशली स्टेनोसिस में। अब थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज, उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से लेग्स फोल्ड कर लेना है और दूसरे एक लेग स्ट्रेट करके इस तरह से लेग को स्ट्रेट लेग रेज, इसको जो नी इसका है और उसके नी के बिल्कुल बराबर ला के पैर को अपनी तरफ खींच लेना है। ये भी फ्लेक्शन एक्सरसाइज में आता है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि दूसरी लेग फोल्ड होनी चाहिए ताकि हमारा जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली रहे, एंटीरियरली ना आए, तो इसलिए लेग को फोल्ड करके इस तरह से बिल्कुल दोनों नीज बराबर करके उसके बाद पैर को खींच लेना है, क्योंकि नर्व टाइट हो रही है। तो ये एक्सरसाइज अपनी फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस में नर्व को भी रिलैक्स करने में बहुत काम आएगी। अब दूसरी लेग के लिए देखिए, अब लेफ्ट का करना है तो राइट फोल्ड कर ली पहले और लेफ्ट को राइट के नी के बराबर लाके उसके बाद पैर खींच लेना अपनी तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी हम 10-10 टाइम्स कर सकते हैं 5 सेकंड होल्ड के साथ, ये भी ट्वाइस अ डे करें। तो अगर आपके भी एमआरआई में स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है, सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस या फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस, तो आप भी ये तीन एक्सरसाइज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें एमआरआई में लिखी होती हैं, स्टेनोसिस है या हमारे पास स्लिप डिस्क है या कौन सी स्टेज का है, कौन सी एज है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कीजिए, एक व्हाट्सएप नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहा है इस पर आप हमें अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कीजिए। ये फ़ोन कंसल्टेशन के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, जिसमें मैं आपको ट्रीटमेंट भी सेंड करूँगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए आपको ये नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए अपनी रिपोर्ट्स और अपना नाम ताकि हम आपको एक अपॉइंटमेंट दें। ये 1-to-1 कंसल्टेशन होगी हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली जिसको स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। और इस चैनल का एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए, लो बैक पेन सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।